नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं आज तक भारत। कपिल शर्मा एक बार फिर अपनी पलटन के साथ ऑडियंस को हंसाने के लिए लौट चुके हैं। बीती रात शनिवार को द ग्रेट इंडियन कपिल शो का ग्रैंड प्रीमियर हो गया है। इस बार शो टीवी पर नहीं बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर टेलीकास्ट हुआ है। बीती रात शनिवार को शो का फर्स्ट एपिसोड टेलीकास्ट हुआ है। इस बार शो टीवी पर नहीं बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुआ है। हालांकि होस्टिंग की कमान पहले की तरह इस बार भी कपिल शर्मा ही संभालते हुए नजर आए हैं। शो के पहले गेस्ट रणबीर कपूर, रिद्धिमा कपूर साहनी और नीतू कपूर रहे हैं। आपको बता दें कि कपिल शर्मा शो ने लंबे समय के साथ वापसी की है। इसके साथ ही इस बार शो में कई बड़े बदलाव भी देखने को मिले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले एपिसोड के लिए उन्होंने तगड़ी फीस भी वसूली है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कपिल शर्मा शो ने लंबे समय बाद वापसी के साथ साथ ही इस बार शो में कई बड़े बदलाव भी देखने को मिले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले एपिसोड के लिए उन्होंने तगड़ी फीस भी चार्ज की है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कपिल शर्मा शो ने लंबे समय बाद वापसी के साथ ही इस बार कई बड़े बदलाव भी उनके शो में देखने को मिले हैं। जैसे पहले दिन शो में गेस्ट के रूप में कपूर फैमिली पहुंची और इनॉग्रेशन किया। भाई, टीवी से ओटीटी तक शो में काफी बदलाव आए हैं। सबसे पहले तो हम कपिल शर्मा के शो के सेट की बात करेंगे, जो अब एयरपोर्ट के कैफे में तब्दील हो गया है। बहुत ही सुंदर सा कैफे बना है, जिसमें चारों ओर से लाइट की चकाचौंध उसकी सुंदरता को और बढ़ा रही है। शो में पहले दिन गेस्ट बनी कपूर फैमिली ने भी सेट की जमकर तारीफ की है। आमतौर पर कपिल शर्मा शो के हर एपिसोड में उनकी मां नजर आई हैं। हालांकि इस बार द ग्रेट इंडियन कपिल शो के पहले एपिसोड में वो अपने पति को शेयर करने के लिए कपिल शर्मा की पत्नी गिन्नी चतरथ भी नजर आई हैं। इस दौरान कपिल अपनी पत्नी की टांग खिंचाई करते हुए भी दिखाई दिए हैं। पहले कपिल शर्मा शो में कीकू शारदा ने बम्पर लॉटरी का रोल निभाया था, लेकिन इस बार वो धनियालाल शेफ के रूप में नजर आए हैं। शो की स्टार्टिंग में ही धनियालाल शो का प्रमोशन करते हुए गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड आफ्टरनून विश करते हैं। इस पर कपिल टोकते हुए बोलते हैं कि आप भूल गए हैं कि हम नेटफ्लिक्स पर हैं और 190 देश की ऑडियंस हमें देख रही है। पता नहीं कब कहाँ क्या समय हो रहा हो। शो में बड़ा चेंज जो देखने को मिला है वो है सुनील ग्रोवर का आना। बीते कुछ समय से खबर थी कि सुनील और कपिल के बीच झगड़ा हो गया है, लेकिन अब इस नए शो में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। हाँ, एक बड़ा बदलाव जरूर देखने को मिला, जो था गुत्थी का डपली में कन्वर्ट हो जाना। शो में जैसे ही डपली की एंट्री होती है तो वो एक पार्सल बॉक्स में आती है और अपना वेलकम खुद ही अच्छे से करती है। पहले एपिसोड में आपने देखा था कि कपिल शर्मा स्क्रीन पर सोशल मीडिया के जरिए क्वेश्चन पढ़ते थे, लेकिन इस बार तो स्क्रीन को रिप्लेस करते हुए कार्ड्स ने जगह ले ली है। अब कार्ड्स में क्वेश्चन लिखे होते हैं जिनका जवाब गेस्ट को देना होता है। हालांकि ये कोई नहीं जानता है कि कौन सा क्वेश्चन क्या पंच मारेगा। कृष्णा अभिषेक ने पहले कपिल शर्मा शो में पार्लर वाली सपना का रोल अदा किया था, लेकिन इस बार वो छोटे भैया के रूप में सामने आए हैं। शो में उनकी शानदार एंट्री ने जान डाल दी। कृष्णा ने एनिमल के अबरार के रूप में एंट्री मारी, वहीं कीकू शारदा ने शो में डबल रोल निभाते हुए बड़े भैया का रोल अदा किया है। पहले वो शेफ धनियालाल बना तो अब बड़े भैया, जिसने सनी देओल की आवाज में पूरा सेटअप हिला दिया। ये तो हुई बदलाव की बात। अब जैसे उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि पहले ही एपिसोड का कपिल के साथ बाकी स्टार कास्ट ने मोटी फीस वसूली है। अब कितनी मोटी फीस वसूली है, आइए जरा ये भी जान लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कपिल शर्मा ने द ग्रेट इंडियन कपिल शो के लिए मोटी फीस चार्ज की है। उनकी फीस ने बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को भी पीछे छोड़ दिया है। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा से शुरुआत करने वाले कपिल शर्मा अब टीवी पर सबसे ज्यादा फीस लेने वाले कॉमेडियन किंग बन चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कपिल ने शो के सिर्फ
5 एपिसोड के लिए 26 करोड़ रुपए की रकम वसूली है। जाहिर है कि कपिल शर्मा पिछले 10 साल से शो को होस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वो हर एपिसोड के लिए मोटी रकम चार्ज करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कपिल शर्मा एक एपिसोड के लिए करीब 50 लाख रुपए की फीस लेते हैं। ऐसे में महीने भर में उनके 8 एपिसोड आते थे, जिसके लिए कॉमेडियन करीब 4 करोड़ रुपए की कमाई कर लेते थे। इस शो के लिए सुनील ग्रोवर भी कपिल शर्मा से पीछे नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनील ग्रोवर ने एक एपिसोड के लिए करीब 25 लाख रुपए फीस चार्ज की है। शो में कृष्णा की फीस की अगर बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉमेडियन ने एक एपिसोड के लिए 12 लाख रुपए फीस चार्ज की है। द ग्रेट इंडियन कपिल शो की जज अर्चना पूरन सिंह भी पीछे नहीं है। जज की कुर्सी पर बैठकर हंसी के ठहाके लगाने के लिए अर्चना अब तक प्रति एपिसोड 10 लाख रुपए चार्ज करती आई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार भी अर्चना पूरन सिंह ने मोटी फीस चार्ज की है। वहीं कीकू शारदा ने 7 लाख और राजीव ने करीब 6 लाख रुपए के आसपास फीस चार्ज की है। ओवरऑल देखा जाए तो कपिल शर्मा से द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो बने इस कॉमेडी शो का लोगों को बेसब्री से इंतजार था, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पहले जो सोनी टीवी पर आता था अब वो OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आ रहा है। इस बदलाव से कहीं ना कहीं कुछ लोगों का दिल तो ज़रूर टूटा होगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी और जानकारी आप तक हम पहुँचा सकें।